Assalamu alaikum, this is Zaid Khan. Welcome to my YouTube channel IQ Math Academy. In the lecture of probability theory, today we are going to discuss uh, the counting rules. So, there are four things which we have to understand and discuss in this lecture. Factorial, product rule, these are three rules. Product rule. म्यूटेशन एंड कंबिनेशन वट इज फैक्टोरियल फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यानी जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है उन सब के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं फैक्टोरियल कहते हैं मिसाल के तौर पर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हम कैसे ले सकते हैं एन नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है वन टू थ्री फोर अब टू एन नेचुरल नंबर है क्योंकि फिनट है तो अप टू एन ये हमारे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है अब इन सब का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा इनका प्रोडक्ट हमारे पास बराबर होगा इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई अप टू मल्टीप्लाई एन अगर इसको मैं अरेंज कर दूँ थोड़ा सा हाइस्ट है क्योंकि हम फर्स्ट एन के नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को फेक्टोरियल कहते हैं तो इसको मैं अगर इस तरह लिख लूँ एन मल्टीप्लाई और फिर इसके बाद एन इन टू एन माइनस वन होगा क्योंकि एक टर्म पीछे आएंगे तो एक एक टर्म कम करते जाएं ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस टू और ये चला जाएगा आखिर में मल्टीप्लाई में क्या ये डॉट मल्टीप्लीकेशन की जगह हम डॉट भी लिख सकते हैं और ये क्या होगा फोर थ्री टू वन तो मैं आखिरी थ्री लिखता हूँ थ्री टू वन ये प्रोडक्ट है तो इसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम कहते हैं फैक्टोरियल मिसाल के तौर पर मैं फाइव फर्स्ट नेचुरल नंबर लेता हूँ या फोर तक लेता हूँ ये फिर फोर तक मैं इसको ले लेता हूँ तो इनका प्रोडक्ट मैं कैसे लुकूँगा फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन और इसको अगर मैं फैक्टोरियल फॉर्म में लिखूँगा तो ये किसके बराबर होगा जो हाईएस्ट नेचुरल नंबर होगा बीच में कोई गैप ना हो ये ना वही कंजेटिव नंबर्स होने चाहिए इसमें ठीक है तो फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा फोर फैक्टोरियल अगर आप इसको फाइव करते हैं मल्टीप्लाई बाय फाइव तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा फाइव फैक्टोरियल अब इस फैक्टोरियल को तो मैं ओपन करना चाहूँ तो मैं इसको फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई क्योंकि ये थ्री फर्स्ट थ्री का प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल भी मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज कॉल फैक्टोरियल अब इसके बाद आते हैं वट इज प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल क्या है प्रोडक्ट रूल समझने के लिए <coughs> मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड एक्सपेरिमेंट है कंपाउंड एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो ठीक है मिसाल के तौर पर मैं एक कॉइन और एक डाई को चक्का जिसको हम कहते हैं उन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली यानी एक साथ में इन दोनों को टास्क कर कॉइन को टॉस करता हूँ और डाई को रोल करता हूँ एक ही साथ तो अगर मैं डाई को रोल करूंगा तो डाई का सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगा डाई का सैंपल स्पेस वो बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जिसको हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ठीक है अब ये देखिए डाई को आप रोल करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स सिक्स होते हैं सिक्स फेसेस एक चक्के में वो क्यूब साइड शेप का होता है तो छह साइड्स होते हैं और हर एक साइड पे ऊपर एक डॉट दो डॉट थ्री डॉट तो उसको हम वन टू थ्री अप टू सिक्स कंसिडर करते हैं सिमिलरली हमारे पास अगर साम्पल स्पेस है किस चीज़ का कॉइन का तो कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है तो ये हमारे पास उसके पॉसिबल आउटकम्स है अब इनको अगर हम देख लें तो प्रोडक्ट रोल क्या करता है अगर एक एक्सपेरिमेंट आप ये कर रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंट ये है और दोनों साइमल्टेनियसली आप कर रहे हैं तो अगर आप डाई को रोल करते हैं तो उसमें आप इसको भी रोल आ, साथ में कॉइन को भी टास्क कर रहे हैं एक ही टाइम पे तो ये जो है इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे इसको गिनने वन से सिक्स तक है और इसका क्या है एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और कॉइन का ये हमारे पास वन टू पॉसिबल आउटकम्स टू है तो इन दोनों का जो आपके पास कंपाउंड एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनेगा तो वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस इसको अगर मैं जनरली कहूँ एम तो ये मल्टीप्लाई दिस तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस वन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन एस टू इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू ट्वेल्व तो इसके सैंपल स्पेस की तादाद क्या होगी उसमें बारह आउटकम्स होंगे ठीक है अब इसको देखें अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो जनरलाइज मैं कैसे करूँगा जनरलाइज इसको मैं एम कहूँ और इसको मैं एन कहूँ। अगर दो एक्सपेरिमेंट है एक में पॉसिबल आउटकम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स दो हैं ठीक है इसमें सिक्स है तो इसको अगर मैं एम का हूँ और इसको मैं एन का हूँ तो एम मल्टीप्लाई एन आपके पास एन आफ अ साम्पल स्पेस होगा ठीक है दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल दोनों का प्रोडक्ट आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका प्रोडक्ट लेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट टूड इसके बाद हमारे पास है परम्यूटेशन व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन स्टूडेंट्स अक्सर इसके क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं तो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कंसेप्ट है तो उसको आज आप गौर से इसको देख लेता वो आपका क्लियर उसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी करेंगे ठीक है वट इज़ परम्यूटेशन परम्यूटेशन भी अरेंजम अरेंजमेंट है और कम्बिनेशन भी अरेंजमेंट है फ़र्क क्या है कि परम्यूटेशन में आर्डर इन्वॉल्व होता है और कम्बिनेशन में आर्डर नहीं होता आर्डर से क्या मुराद है अ परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ आल आर द ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर यानी किसी खास आर्डर में अगर आप किस ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करते हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की या उन तमाम में से आप कुछ ऑब्जेक्ट्स उठाते हैं उनके अरेंजमेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं इस इन अरेंजमेंट्स को हम परम्यूटेशन कहते हैं मिसाल के तौर पर इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा इसको हम परम्यूटेशन को एन पी आर से रिप्रेजेंट करते हैं यानी एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड आर इज़ दैट ऑब्जेक्ट्स विच आर चूजन आर टू बी सेलेक्टेड यानी इन एन में से हम आर ले रहे हैं यानी पाँच दस हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है और दस के दस में अरेंज करना चाहता हूँ या दस में से मैं पाँच को अरेंज करना चाहता हूँ तो ये दस हमारे पास एन होगा और ये पाँच क्या होंगे ये आर होंगे ये वो ऑब्जेक्ट्स है जिसको मैं अरेंज करना चाहता हूँ आउट ऑफ एन अब इसको हम ओपन करेंगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल ये हमारे पास क्या है दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन ये परम्यूटेशन है ठीक है अब इसके बाद एन फैक्टोरियल हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल ये इसका फार्मूला है इसके बाद अब इनमें आर्डर होगा खास आर्डर होगा जिस आर्डर के तहत आपने इसको अरेंज करना है अगर आपने आर्डर में अरेंज नहीं करना और आपको सिर्फ अरेंजमेंट का कहा है तो फिर हम परम्यूटेशन की बजाय कंबिनेशन यूज करेंगे सो व्हाट इज कम्बिनेशन कम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल आर ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी विदाउट एनी ऑर्डर इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या है एन सी आर इसको हम लिखते हैं एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फिक्टोरियल और इन टू आर फिक्टोरियल आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन कम्बिनेशन सी एन कम्बिनेशन आर इसको भी अगर आप लिखते हैं तो एन परम्यूटेशन आर तो इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते बल्कि ये हम इन कम्बिनेशन आर को इस तरह भी लिख सकते हैं अब इसको गौर से देखें दो एग्जांपल है यहाँ पे हमने एग्जांपल्स एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जांपल एग्जाम्पल लिखा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू प्लेयर्स फ्रॉम अ टीम ऑफ एलेवन प्लेयर्स कैन बी चूजन आर सेलेक्टेड यानी ग्यारह बंदों का एक टीम है उसमें से आपने दो लोगों को चूज करना है तो इसमें देखें इस, देखे इस क्वेश्चन में आप ग्यारह लोगों में से कोई से दो उठाएं कोई से दो आपने सेलेक्ट करने हैं उसमें यह नहीं है कि फ़ला को पहले लेना है फाँ को दूसरा लेना है या फला 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 को लेना है इस तरतीब से तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है इसमें जस्ट अरेंज करना है जस्ट चूज करना है एलेवन में से टू को आपने चूज करना है देयर इज़ नो ऑर्डर सो अगर ऑर्डर नहीं है तो हम फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लिखेंगे सल्यूशन टोटल नंबर क्या है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू इलेवन और जो चूज करना है टू बी चूजन या आर सेलेक्टेड टू बी सेलेक्टेड प्लेयर्स वो क्या है आर इज इक्वल टू टू तो अब इसको देखे क्या लिखेंगे एन सी आर ठीक है एन सी आर लिखा है तो एन क्या है एन हमारे पास एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फिक्टोरियल पुटिंग करेंगे इसमें तो ये एलेवन सी टू है एलेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एलेवन माइनस टू फैक्टोरियल और इनटू टू फैक्टोरियल अब एलेवन फैक्टोरियल को मैं ओपन करूंगा एलेवन माइनस टू से क्या आएगा नाइन फैक्टोरियल तो जो डिवाइड में है उस तक आपने इसको ओपन करना है ताकि इसकी कैलकुलेशन सिंपल हो तो एलेवन को नाइन ये नाइन फक्टोरियल इससे आता है तो मैं इलेवन मल्टीप्लाई एक कम करो टेन फिर एक कम करो नाइन और इसको फिर बंद कर दो अगर आप इसको बंद नहीं करते आप जहाँ भी इसको क्लोज करना चाहे फैक्टोरियल में आप इसको लिख सकते हैं आप इसको वन तक भी मल्टीप्लिकेशन में इसको ओपन कर सकते हैं नाइन फक्टोरियल को लेकिन मैं उस तक नहीं करूँगा ये हो जाएगा नाइन फक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल टू फिक्टोरियल में लिख सकता हूँ टू मल्टीप्लाई वन तो ये नाइन फिक्टोरियल नाइन के साथ कैंसिल और ये टू वन ज़ा टू और टू फाइव ज़ा टेन एलेवन फाइव ज़ा फिफ्टी फाइव तो हम फिफ्टी फाइव वेज में टू प्लेयर्स को सेलेक्ट कर कर सकते हैं फ्रॉम दी टीम ऑफ एलेवन प्लेयर्स ठीक है इसमें कोई ऑर्डर नहीं है अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखें ये कैसा है इन हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल वेज अ प्रेजिडेंट अ सेक्रेटरी एंड अ ट्रेजर कैन बी सेलेक्टेड फ्राम अ ग्रुप ऑफ फाइव मेंबर्स अब देखें प्रेजिडेंट अ सेक्रेटरी एंड अ ट्रेजर यानी आप प्रेजिडेंट को लेंगे सेक्रेटरी को लेंगे तो यहाँ पर आपने ये नहीं है कि आपने कोई से तीन चूज करने हैं मेम्बर्स बल्कि उन्होंने आपको यहाँ पर बताया है कि आपने एक प्रेजिडेंट को लेना है फिर एक सेक्रेटरी को और फिर एक ट्रेजर को तो यहाँ पर एक ऑर्डर आपको मिल रहा है सलेक्शन करने में तो जब ऑर्डर आपको मिलेगा तो इस चीज़ ये जो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से आपको ऑर्डर मिल रहा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे आपको ऑर्डर मिलेगा तो उन ऑर्डर को आप ले सकते हैं इन आपने उसको एन से करना है तो एज एन पी आर इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फिक्टोरियल इसमें दोबारा आर फिक्टोरियल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हेयर एन क्या है एन फाइफ मेंबर्स टोटल फाइव और कितने चूज करने हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजर कितने हैं आर चूज़ कर तीन तो ये तीन आपने चूज करने हैं तो यहाँ पे पुट करें फाइव परम्यूटेशन थ्री विच इज़ इक्वल टू फाइव फिक्टोरियल डिवाइड बाय फाइव माइनस थ्री फिक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू फाइव फिक्टोरियल फाइव माइनस थ्री से क्या आएगा टू फिक्टोरियल तो इसको टू फिक्टोरियल तक ओपन करें फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाई टू फिक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय टू फिक्टोरियल ये टू फिक्टोरियल टू फिक्टोरियल के साथ कैंसल हो जाएगा तो थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व फ़ाइव फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ज़ा सिक्सटी तो इन सिक्सटी वेज सिक्सटी तरीक़ों से पॉसिबल तरीकों से हम पांच मेंबर्स में से तीन मेंबर्स जो के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और ट्रेजर है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं चूज कर सकते हैं सिक्सटी तरीकों से साठ तरीकों से और उसको हम कम्बिनेशन में पचपन तरीकों से इसको ले सकते हैं अच्छा एक और एग्जाम्पल करते हैं प्रोडक्ट रूल के ऊपर यहाँ पर देखें क्वेश्चन लिखा है अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ सिक्स मेन एंड फोर वामेन यानी एक ग्रुप है जिसमें कितने मेन और कितने वामेन है ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ मेन क्या है सिक्स है और वामेन कितने हैं मेन की तादाद इज इक्वल टू सिक्स और वामेन कितने हैं वो फोर है तो टोटल एन आपके पास क्या होगा मेन और वुमेन की तादाद को प्लस करें तो सिक्स प्लस फोर हमारे पास क्या आएगा टेन आ जाएगा ठीक है ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप में मेंबर्स है टोटल नंबर ऑफ मेम्बर उसको हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है टेन अब यहाँ पर देखे पार्ट ए पार्ट ए क्या कहता है सल्यूशन में कि फाइंड नंबर ऑफ चांसेस देट एग्जैक्टली टू मेंबर्स आर चूज यानी उसने सिर्फ दो मेंबर्स का कहा है ग्रुप में टोटल टेन मेंबर्स हैं और दो मेंबर्स आपने चूज करने हैं तो उसमें ये चीज़ नहीं है कि आपने दो मेन चूज़ करने हैं या दो वाम चूज़ करने हैं क्योंकि ग्रुप में हमारे पास टोटल टेन है और टोटल टेन में से सिक्स मेन है और फोर वुमेन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हमने चूज करना है एग्जैक्टली टू तो यहाँ पर हमारे पास आर क्या होगा आर इज़ इक्ल टू टू होगा हमने आर टू चूज़ करना है तो इसको हम क्या कहेंगे एन कंबिनेशन आर एन फिक्टोरियल ये हमारे पास फार्मूला है डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फिक्टोरियल इन टू आर फैक्टोरियल पुट करें एन की जगह क्या है टेन फिक्टोरियल टेन कम्बिनेशन टू इज़ इक्वल टू टेन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय इस आर फिक्टोरियल को मैं पहले अगर लिख लूँ तो ये टू फिक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पर एन टेन माइनस टू फिक्टोरियल इसको ओपन कर ले टेन फिक्टोरियल मैंने कहा था यहाँ पर जब डिवीजन से टेन माइनस टू करेंगे तो एट आएगा तो एट तक इसको मल्टीप्लाई नाइन मल्टीप्लाई एट फिक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 होगा और इससे 8 फैक्टोरियल ये 8 फैक्टोरियल 8 के साथ कैंसिल 2 1 2 2 5 तो इससे क्या आएगा 5 4 45 तो आपके पास 45 वेजस है चांसेस है कि 10 में से दो मेंबर्स को सेलेक्ट कर ले पार्ट टू क्या कहता है पार्ट टू कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वेज देयर थ्री मेन एंड टू वुमेन आर चूज्ड यानी आपने तीन मेन और दो वमेन चूज़ करने हैं तो हम क्या कहेंगे क्योंकि हमारे पास इस सिचुएशन में देखे सिक्स मेन है टोटल और वमेन फोर है तो अगर आप मेन चूज़ करेंगे तो ऑबियसली आप मेन को हम मेन से ही चूज़ कर सकते हैं उसके ग्रुप से वमेन के से हमसे उसको नहीं कर सकते और वोमेन को वाम से चूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास अगर एन कम्बिनेशन एन क्या है नंबर ऑफ मेन नंबर ऑफ में है तो यहाँ पर एन क्या होगा इसको मैं एन वन कहू ठीक है और नंबर ऑफ वमेन फोर है और वो एन टू हो जाएगा चूज कितने करने हैं आर चूज आपने करने आर वन आपके पास क्या होगा तीन मेन चूज करने हैं तो एन वन के लिए आर वन थ्री और आर टू क्या होगा टू वमेन चूज करने हैं तो ये टू होगा तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट को आप सॉल्व करें सिक्स कॉम्बिनेशन थ्री हो जाएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसी फार्मूले से ठीक है तो ये होगा सिक्स फिक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री फिक्टोरियल इंटू सिक्स माइनस थ्री इसको मैंने आर फिक्टोरियल उधर था मैंने इधर लिख दिया ताकि थोड़ा सा सही लगे ठीक है तो इसको देखें सिक्स माइनस थ्री से थ्री आएगा ना तो मैं इसको लिखूँ सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री फिक्टोरियल तक इसको ओपन करें यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन होगा इस थ्री फिक्टोरियल को और इससे क्या आएगा थ्री फिक्टोरियल तो ये विक्टौरिल, थ्री फिक्टोरियल थ्री फिक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये थ्री टू ज़ा सिक्स और ये सिक्स कैंसिल फाइव फोर ज़ा इससे ट्वेंटी आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा दूसरा वामिन से आप फोर वामिन में से टू चूज करेंगे तो फोर फेक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर डिवाइड बाई आर आर क्या है आर हमारे पास इस केस में टू है तो टू फिक्टोरियल इंटू फोर माइनस टू फिक्टोरियल ये हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू फिक्टोरियल और इस टू मल्टीप्लाई वन और ये टू फिक्टोरियलियल ये इसके साथ कैंसल टू वन जा टू और टू टू जॉ फोर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सिक्स आ जाएगा अब दोनों केसेस में देखें मेन को आपने लिया तो मेन को हम पॉसिबली सिक्स ट्वेंटी वेज से चूज कर सकते हैं और वामेन को सिक्स वेज तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थ्री मेन एंड टू वाम तो अब यहाँ पे देखें एक्सपेरिमेंट आपने किया टोटल उसमें से टेन है टेन में से आप चूज कर रहे हैं थ्री मेन को और टू वामेन को तो आपने मेन मेन से चूज़ कर दिया और वामेन वमेन से तो ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा प्रोडक्ट इसका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो बनेगा वो क्या होगा एम मल्टीप्लाई एन एम क्या है इसको आप एम कहे और ये आपके पास क्या होगा एन तो हम लिख लेंगे ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई सिक्स तो वन ट्वेंटी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज आर 120 जिसमें से टोटल तो, 10 ग्रुप से तीन वमेन और दो तीन मेन और दो वमेन को हम चूज़ कर सकते हैं वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको सारी कंसेप्चुअल चीज़ें समझ आ सके अगर फिर भी कोई मसला है आपको समझ नहीं आई आप किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन को आ, करें इंशाल्लाह आपको वहां पर इसका रिस्पांस मिलेगा इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि मैंने आपको दिया हुआ है इसी तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो थैंक यू